इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावों को देखते हुए यात्राओं का दौर भी शुरू हो गया है। जहां एक तरफ बीजेपी की विकास यात्रा जारी है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ छतरपुर के बागेश्वर धाम जाकर हनुमान जी के दर्शन किए और धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी मुलाकात की। कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम तो हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं। मैंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया है, 10 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई है। यहाँ मैंने प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की है। तो वहीं एक दिन पहले ही बागेश्वर धाम के बाबा ने ऐलान किया था कि कमलनाथ जी उनके धाम में आएंगे और इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। तो दूसरी ओर कमलनाथ की इस स्पिरिचुअल यात्रा के बाद सियासत भी गर्मा गई है और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा कमलनाथ जी का बागेश्वर धाम पहुंचना स्वागत योग्य है। लेकिन क्या कमलनाथ जी बागेश्वर धाम का अपमान करने वाले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से कहेंगे कि वो माफ़ी मांगे, या प्रदेश अध्यक्ष के नाते कमलनाथ जी खुद माफ़ी मांगेंगे? विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है और आम जनता तक पहुंचने के लिए विकास यात्रा की शुरुआत की है। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच पिछले कई दिनों से सवाल जवाब का सिलसिला काफी सुर्खियां बटोर रहा है और दोनों आए दिन एक दूसरे पर वार करते रहते हैं।